दोस्तों आजकल आम पशु में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जैसे जीर्ण डालना, मेस्टाइटिस होना, मिल्कफ्यूर में आना या बच्चे का सही से विकास नहीं होना। ये आम बात आम पशु की है क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन की कमी होती है, सही पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते हैं। और कई बार तो आपने सुना हो कि बच्चादानी घूम गई हो, यानी टॉर्सन के केस भी बहुत मिलते हैं। तो इन सभी समस्याओं के निजात के लिए एक नया प्रोडक्ट आया है, अच्छी कंपनी का है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। जिसका बात करें हम तो उसका नाम है VHPL, कंपनी के नाम से है VHPL। प्रोडक्ट का नाम करें तो पार्चर, पार्चर यानी पास्टुरेशन से पहले, यानी ब्याज से पहले देना आपको, 1 महीने पहले देना है। अब इसके देने की विधि बताता हूं आपको कैसे देना है। यानी एक पुड़िया आपको सुबह देनी है, एक पुड़िया शाम को, यानी एक पैकेट आएंगे उसमें, इस डिब्बे के अंदर 20 पैकेट आते हैं, जो 50 ग्राम का यानी 1 किले का डब्बा होता है, और 50 ग्राम का पैकेट होता है, 20 पैकेट आते हैं, एक सुबह एक शाम को देना आपको। इससे पशु की गादी का विकास होगा, मिल्क फ्योर में यानी सर्द बोलते हैं जिसको, साधारण भाषा में सर्द में नहीं आएगा, गादी का विकास भी अच्छा होगा तथा बच्चे का विकास भी अच्छा होगा, बच्चा वह हष्ट पुष्ट होगा, जो पाड़ा पाड़ी या बछड़ा बछड़ी जो भी है नवजात, उसका अच्छा विकास होगा, पशु को मेस्टाइटिस नहीं होगा, सही टाइम पर जे डाल देगा वो, इत्यादि विकास होंगे। पशु की बॉडी की साइनिंग अच्छी होगी, पाचा नहीं दिखाएगा। कई बार आपने सुना हो कि हमारा पशु मतलब शरीर दिखाता है, प्रलोभ की समस्या वो भी नहीं होगी इसके। तो ये तो आपको ये 2 डब्बे लाने हैं, और आपको बता दिया कि सुबह एक सुबह देना है, एक शाम को देना है, 2 डब्बे लाने हैं। जिसकी MRP की बात करें, इसकी रेट की बात करें, तो ये 610 रुपये का 1 डिब्बे की कीमत है, यानी 1220 रुपये 2 डिब्बे के लगेंगे। परंतु तो दोस्तों ये काम बहुत शानदार करता है, इसमें लिखा भी हुआ है स्वस्थ बछड़ा बछड़ी, ज्यादा दूध और बड़ा अडर थन, यानी अडर का विकास और बड़ा थन चाहते हैं तो पाना है तो कैल्विंग ब्याज से पहले पार्चर ही खिलाना है। बहुत ही नाम भी अच्छा है, यानी सुरक्षित व स्वस्थ पास्टुरेशन के लिए सबसे बेहतर फार्मूला है। कोई ज्यादा कॉस्ट नहीं, हम एक बार कोई भी डॉक्टर आता है तो 1000-1500 रुपये उसको वैसे भी दे देते हैं, तो यही दे दो ना आप उसे, पशु भी तंग नहीं होगा, आपकी भी समस्या हट जाएगी कि टेंशन रहेगी कि ये पशु भी आने वाला है, पता नहीं जेड़, ये हर कई लोगों की समस्या है। फिर भी हम देखते हैं कि कई लोग कहते हैं कि हर बार इसकी जेड़ निकलाते हैं, तो वो समस्या हट जाएगी इससे, कि इसको हर बार मेस्टाइटिस होता है, वो समस्या भी नहीं होगी। कई बार कई लोगों से मैंने ये भी सुना है कि ये पाछा बहुत दिखाती है, यानी शरीर दिखाती है, प्रलोभ की समस्या है, वो भी समस्या नहीं होगी, पशु हष्ट पुष्ट होगा, बच्चा कमजोर है वो कमजोर भी नहीं होगा, अच्छा प्रोडक्ट है। तो दोस्तों हम इस चैनल पर नए नए प्रोडक्ट लाते करते हैं, चाहे वो कोई सी भी कंपनी का हो, अच्छा प्रोडक्ट होगा वही हम इसको प्रमोट करेंगे। तो दोस्तों ये आप देखते रहिए चैनल, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करिए, और वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से प्रेम पूर्वक धन्यवाद जी।